देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को लगा कोविड का टीका। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण के साथ ही जागरूकता अभियान पर भी दिया जा रहा है जोर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की लगाई गई दुर्लभ चित्र प्रदर्शनी। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने विभिन्न प्रतियोगिताओं का हो रहा है आयोजन। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। प्रदेश में आज से 22 मार्च तक चलेगा कृमि मुक्ति कार्यक्रम। और प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज यानी सफेद हंस पहुंचे रायपुर। प्रवास के दौरान पक्षी प्रेमियों में दिख रहा है उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 1,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 96.68% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 26,299 नए संक्रमितों का पता चला है। मंत्रालय ने लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने को कहा है। प्रदेश में भी कल कोरोना के 475 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी आई है। संक्रमण के ज्यादातर मामले रायपुर और दुर्ग जिले में देखे जा रहे हैं। प्रदेश भर में एक बार फिर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित कर रहा है। बीजापुर की सीमा से तेलंगाना और महाराष्ट्र दो राज्यों की सीमा लगी हुई है, जिससे यहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। डॉक्टर एल आर पटेल ने कहा है कि गांव के हाट बाजारों में लोगों को मास्क का वितरण किया जा रहा है, साथ ही शिविर लगाकर काढ़ा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां भी बांटी जा रही है। बात लोग सर्दी खांसी की भी आ रहे हैं और कोरोना को देखते हुए हम लोग इस शिविर में मास्क का भी वितरण कर रहे हैं निःशुल्क, और उनको वनस्पतियों के बारे में बता रहे हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, तुलसी है, मुनगा है, इसके बारे में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं और उससे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। कट्टू चूर्ण बना रहे हैं, उनको हम काढ़ा बनाने का भी विधि बना रहे हैं और घर में भी उन लोग पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर पीएल भोई ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों के मन में जो भय है उसे दूर कर उन्हें बचाव के तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। कोरोना के प्रति लोगों में जो डर है उसके प्रति हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सामना करना है। कोरोना से जो बचने के आयुर्वेद उपाय हैं उनको लोगों तक अपन जन जन तक अपन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो त्रिकटू का चूर्ण होता है उसका काढ़ा बना के सेवन करने के लिए, उसका त्रिकटू चूर्ण से काढ़ा बनाने की विधि का भी अपन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीमावर्ती जिलों में प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आगामी 75 हफ्तों तक अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को देखने स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। इस दौरान स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। कल निबंध और देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल होने आई 12वीं की छात्रा दीक्षा वर्मा ने कहा कि यहां आकर उसे गांधी जी और दांडी यात्रा के बारे में काफी जानकारियां हासिल हुई हैं। हम सब यहाँ पे निबंध प्रतियोगिता के लिए आए थे, जिसमें हम लोगों ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए आज़ादी के अमृत उत्सव के बारे में जाना, जहां पर हम लोगों ने गांधी जी द्वारा चलाए गए दांडी यात्रा के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए समर्पण और उनके कर्तव्यनिष्ठता, उनकी कर्मपरायणता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस महोत्सव में अपनी सहभागिता प्रकट कर रहे हैं। वहीं एक अन्य छात्रा श्वेता चिचोलकर ने कहा कि इस प्रदर्शनी को देखकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अनेक नई बातें मालूम हुई। आज हम लोग यहाँ ऐसे कंपटीशन के लिए आए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ आकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जाना है। यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि का फोटो लगा हुआ है, जिनसे हमें प्रेरणा मिली है कि किस प्रकार उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया है। और उनके अलावा यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की भी फ़ोटो लगाई गई है। इनसे भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश की युवा पीढ़ी है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए हमें मोदी जी द्वारा चलाए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। प्रदर्शनी देखने आए युवा सुलेख नवीक ने कहा कि इस प्रदर्शनी में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आज़ादी के अभियान की दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिली। ये जो चित्र प्रदर्शनी है आज़ादी का अमृत उत्सव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुख्य कारण तो ये है कि ये कुछ ऐसे चित्र हैं जिनको शायद ही हमको कहीं देखने मिले। अद्भुत चित्र हैं, और चित्र ही क्या, ये घटनाएं हैं जो आज़ादी के लिए बहुत कारगर थी, और इनको देख के बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, कि हमारे जवानों ने गांधी जी जैसे, भगत सिंह, ये सारे चित्र जो लगे हैं, जिनके बलिदान, उनके कार्य इन चित्रों के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। अत्यंत ही सुंदर प्रदर्शनी लगी है। गौरतलब है कि रायपुर में आयोजित इस 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीयन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए परीक्षा के दौरान तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ आने वाली परीक्षाओं को लेकर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराने का कल अंतिम दिन था। इस महीने वर्चुअल माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। यह इस कार्यक्रम की 4थी कड़ी होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में आज से 22 मार्च तक कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बार का थीम है कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। इस दौरान हर जिले में कृमि की दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया।
जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक देंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 1 से 19 आयु वर्ग के लगभग 6 लाख बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक दिए जाने का लक्ष्य है। आज पूरे देश में वर्ल्ड कृमि दिवस मनाया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे ज़िले में भी आज 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक डीवर्मिस डे का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। हमारे ज़िले में लगभग 6,65,000 लोगों को 1 वर्ष से 19 वर्ष तक कृमि का दवाइयाँ दी जाएगी, जिससे हम हमारे ज़िले का जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लोग जो मैक्सिमम इफेक्ट होते हैं कृमि से, वो कृमि मुक्त हो जाएंगे। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो एक साथ पूरे प्रदेश में राज्य में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम बड़ा सफलतापूर्वक हो रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले में या पूरे प्रदेश में स्कूलें बंद हैं, आंगनबाड़ी बंद हैं, तो हमारे मितानिन और कार्यकर्ता जो हैं घर घर जाके गुटन गोली और दवाई। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि अभियान के लिए ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज यानी सफेद हंस रायपुर में इन दिनों देखा जा सकता है। प्रवासी पक्षियों की खूबसूरती और उनके अध्ययन के लिए अनेक पक्षी विशेषज्ञ इसे देखने पहुंच रहे हैं। पक्षियों की यह प्रजाति सर्दियों के मौसम में तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस जैसी जगहों से लंबा सफर तय कर भारत पहुंचते हैं। जब इनके गृह क्षेत्र में बर्फबारी शुरू होती है तो ये भारत पहुंचते हैं। प्रवास से पहले ये काफी अधिक मात्रा में भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा कर लेते हैं, जो प्रवास के दौरान इन्हें मदद करते हैं। भारत में ये नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक रहते हैं। कभी कभी छोटी सी कोशिश या अनजाने में किया गया प्रयोग बड़ी सफलता का द्वार भी खोल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जांजगीर चांपा के बढ़ई परिवार के साथ। लॉकडाउन के दौरान जांजगीर चांपा का बढ़ई परिवार काम की कमी से जूझ रहा था। उसी दौरान सत्यनारायण राठौर, जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, उनके बेटे ने उनसे खिलौने बनाने की जिद की। इस पर उन्होंने एक खिलौना बनाया और इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। जब घर में काम नहीं रही, खाली रहे, बैठे रहे, लड़का मन रोवत रही है तो का करीन कहो। तब लड़का मन देखत रही है मोबाइल में वीडियो, पापा इसे बना के भैया बना बोलत रही से भाई है, तब सब जन मिलजुल के बनात रही है, खेलत रही है। तब वो चीज़ ला बनाए लकड़ी के, सब ला जो छोटे छोटे टुकड़ा बचत रही से लकड़ी के फर्नीचर बनत रही से तेकर, तब ओला सब ला जोड़ के हमन बनाए नो चीज ला। सत्यनारायण के छोटे भाई सूर्य नारायण ने बताया कि वे अपने भतीजे भतीजियों के लिए खिलौने बनाते थे। इसी दौरान खेल खेल में बनाया गया एक ट्रैक्टर दुकान में रखा, जो हाथों हाथ बिक गया। सूर्य नारायण ने बताया कि इसे देखकर खिलौने बेचने का विचार आया। सोचे हूँ भतीजा री से तो कर भाई ट्रैक्टर बना डाला था, अब वो आइडिया री से पहले के तो वो ट्रैक्टर ला बनाए और बनात रहे बन गए और पूरा ट्रैक्टर कर दिखा दे रही से बोला मैं रख दिए दुकान में एक दिन। तो एक जन ग्राहक आई बोलीस हाँ भैया ट्रैक्टर ला मुल कत कम दी, तो हाँ भैया इतना मैं दे देबो। तो वो दिन वो ट्रैक्टर बिक गए, तो अगर बाद लगी कि हाँ ट्रैक्टर बिक सका थी करके, तो वही धीरे धीरे बनात 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 आज जो ये लाल ट्रैक्टर आप मन देखा था आप मन के सामने में है, यह ये ट्रैक्टर ला मैं बनाया हूँ। अला बनाए में भी मतलब 15 दिन लग गए इसे। फर्नीचर दुकान के मालिक और परिवार के मुखिया भागवत प्रसाद राठौर ने बताया कि उनके दुकान में बड़ी बड़ी गाड़ियों के खिलौना मॉडल उपलब्ध हैं। मैं हाँ तो मैंने फर्नीचर के काम करता, ये मन सब जितना खिलौना है सब ये मन दोनों के दोनों से कुछ भी मतलब बनाए सब चीज बनाते हैं। और ये मन जैसे JCB है, ये JCB हाइड्रा और ट्रैक्टर है और हाइवा ट्रक और हर सामान मतलब एकर कार है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, सब चीज़ मतलब कुछ भी मतलब देख डाला थे लेकिन
के लड़का मन बिल्कुल मन उतार दे थे लकड़ी में। भागवत राठौर की पत्नी भी खिलौना निर्माण में योगदान देती हैं। इस तरह लकड़ी के खिलौने का एक नया दौर जांजगीर के इस बढ़ई परिवार ने शुरू किया है, जो प्लास्टिक के महंगे खिलौने का अच्छा और टिकाऊ विकल्प बन रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।